दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ज़ेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनेबल करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव करना पड़ेगा ज़ेरोधा एप्लीकेशन के अंदर में जाके। अगर आपका एफएनएस सेगमेंट बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है तो इस वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लाइव एंड प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जस्ट कुछ मिनट के अंदर आपको एफएनएस सेगमेंट एक्टिव करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फिर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सपोज मान लीजिए एक यहाँ पर से आप एफएनओ कुछ बाई करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर से ऑप्शन आएगा। देखिए मैं इसको स्विफ्ट टू बाई किया, आपका सामने क्या मैसेज आया, देखिए एरर, एफएनओ इज डिसेबल फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिव द सेगमेंट ऑन कंसोल। यहाँ बोल रहा मेरा जो अकाउंट पे डिसेबल है, एफएनओ सेगमेंट एक्टिव नहीं है, तो अगर आपको एक्टिव करना है, इनेबल करना है तो आप कंसोल पे जाके कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर से आप डायरेक्ट कंसोल पे जा सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर से आपको पहले जाके दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपको मैं और भी इजी प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया, कंसोल पे क्लिक करने के बाद किसी बाजार ओपन करिए, मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे देख लीजिए एक्टिव सेगमेंट, एक्सेप्ट सेगमेंट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। एक्टिव सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। देखिए यहाँ पर से आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी और दूसरा आप तरीका दिखाऊंगा, बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। जो है देखिए ये आपका ज़ेरोधा का एप्लीकेशन है, यहाँ पर से नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देखिए आपका यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो देखिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिला है, पोर्टफोलियो, फैमिली, डाउनलोडेड, गिफ्ट स्टॉक, टैक्स, पीएनएल, ये सब कुछ है। आप किसी भी एक को सिलेक्ट करिए, मैं पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेम ऑप्शन क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों पहले जो ऐसा हुआ था, देखिए ऊपर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों माय अकाउंट पे क्लिक किया, माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ये जो एरर है एरर पे क्लिक करना पड़ेगा। एरर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ चुका है सेगमेंट। देखिए सेगमेंट पे क्लिक किया, सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आ चुका है एक्टिव सेगमेंट, देखिए आ चुका है। तो यहाँ पर दो तरह से आप आ सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। अभी देखिए अभी मेरे को क्या यहाँ पे ऐसे आप ले सकते हैं, कॉमोडिटी ले सकते हैं, बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन ले सकते हैं, एनएससी करेंसी एक्सचेंज ले सकते हैं, बीएससी करेंसी एक्सचेंज ले सकते हैं। आपको जो भी सेगमेंट एक्टिव करना आप यहाँ पर से कर सकते हैं। मेरे को क्या करना है, बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको मैं टिक मार दिया। इसको टिक मारने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ चुका है, देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पे क्लिक किया। कंटिन्यूअस पे क्लिक करने के बाद अभी मेन पेज आपके सामने आ चुका है, तो देखिए एक्टिव बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन हमको एक्टिव करना। पहले ग्रॉस इनकम का रेंज इसमें कॉर्नर पे क्लिक करिए, आपका जो भी रेंज है इनकम का आप दीजिए, बिलो 1 लाख है, 1 to 5 लाख है, जो भी। मैं सपोज मेरा 1 to 5। सेकंड ऑप्शन देखिए, सो यूज माय होल्डिंग स्टेटमेंट एज इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ का द्वारा आप अपना होल्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन आपका होल्डिंग में 10,000 से ज़्यादा रहना चाहिए, ये बात माइंड में रखिए। नहीं तो दूसरा आपको आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनकम प्रूफ का द्वारा बहुत सारा बहुत कुछ आप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं, ITR दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ दे सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डीमैट होल्डिंग। अब इसके अंदर किसी भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। चलिए मैं सपोज मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट किया, करने के बाद नीचे चूज फाइल है, चूज फाइल पे क्लिक करके आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट का PDF है 6 मंथ का, वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद तो नीचे दोस्तों अगर आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड फिल कर दीजिए। देखिए नीचे फिल पासवर्ड, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड दे देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे टिक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा, करके दोस्तों देखिए मेरे को सिर्फ यूज माय होल्डिंग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, इसलिए मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। कुछ भी मेरे को नहीं करना, वो उसको नहीं देना है, मेरे को सिर्फ मेरा होल्डिंग देना रखना है। तो लेकिन आपको होल्डिंग पे 10,000 से ज़्यादा रहना चाहिए, बात माइंड में रखिए। तो इतना सेकंड बॉक्स पे टिक मारने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप OTP ईमेल पे ले सकते हैं, नहीं तो मोबाइल पे ले सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने का टाइम में जो ईमेल यूज़ किया था उस ईमेल पे ही आपको जाएगा, नहीं तो उस मोबाइल पे जाएगा। मैं ईमेल सिलेक्ट किया, ईमेल सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यूअस ऑप्शन पे क्लिक किया। कंटिन्यूअस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका मेल आईडी पे एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड जाएगा। चलिए मैं आपके सामने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा। तो अभी मैं मेरा मेल खोल लेता हूं आपके सामने। ईमेल खोलने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने मेरा मेल पे भेजा जाएगा। देखिए
इस मेल को मैं खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्स करती हूँ एक बार। देखिए जीरो था वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ चुका है। तो अभी इस ईमेल को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए अंदर में देखिए ओटीपी है 583881। ये जो ओटीपी है, इस ओटीपी को दोस्तों वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। चलिए आपके समय मैं डाल देता हूँ। दोस्तों डालने के बाद नीचे बगल में जो वेरिफिकेशन ऑप्शन, वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा सामने रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों देखिए, योर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, मतलब आपका रिक्वेस्ट सबमिट किया गया। दोस्तों आपको सिर्फ 12 घंटा वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे के अंदर दोस्तों आपका सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप किसी भी टाइम घर बैठ के आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, एफएनओ के अंदर 10 ट्रेडर के अंदर डेली 9 ट्रेडर लॉस बुक करता है। इसलिए दोस्तों आपने आपको एक्सपर्ट बनाए, पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग करिए। दोस्तों और एक बात दोस्तों, अगर आप अभी तक जीरोधा के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।